विधानसभा चुनाव प्रदेश में नजदीक हैं। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी मामले में सही समय सही निर्णय लेगी। हम समय अनुसार चल रहे हैं, हमारी लिस्ट देखकर भाजपा क्लीन बोल्ड हो जाएगी। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा के परिवर्तन यात्रा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने को भी लेकर निशाना साधा। हम लोग ब्लॉक लेवल से लेकर जिला, प्रदेश, फिर प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, फिर केंद्रीय चुनाव समिति, हम लोग प्रक्रिया वाइज, हम लोग समय अनुसार हम लोग चल रहे हैं। हम लोग कहीं कोई लेट प्रतीत नहीं है, ना कोई डरे हुए हैं। जब हमारी लिस्ट आएगी तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हमारी लिस्ट को देखे पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो जाएगी। 15 साल की सरकार में बस्तर क्या था उस पूरे प्रदेश और देश जानता है, और आज हमारी सरकार में बस्तर क्या है इसको पूरे प्रदेश और देश जानता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि सरकार गंभीर है, उनको चिंता करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। आप तो मैं बोलूँ दिन को दिन आप 12-24 घंटे आप परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हैं। बस्तर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतने डरने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो कहना चाहता हूँ परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हो तो सबसे पहले झीरम घाटी में जो हमारे परिवर्तन यात्रा निकली थी 13 से पहले, वहां जो घटना घटी हमारे बस्तर की शहीद धरती है, तो वहां एक बार जाके नमन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी।